हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इससे पहले मैं रेसिपी की वीडियोस को अपलोड करता था, पर आज से मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो मेरी पहली ब्लॉगिंग होगी मैसूर शहर। फिलहाल मैं बेंगलुरु शहर में हूँ और मैं अपना ट्रैवल ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैसूर शहर से। और एज यूजुअल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बेंगलोर की क्लाइमेट, यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और अभी भी वैसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल रोमांटिक सा मौसम है, बेंगलोर में बहुत ही रोमांटिक मौसम होता है। सो कपल्स के लिए बेस्ट सिटी है बेंगलोर। सो खैर, ये सब बात की बातें हैं, अलग बात है, ये आउट ऑफ द टॉपिक है। मैं मैसूर शहर की ओर निकलता हूँ अभी, और मैं आप लोगों को पूरा ए टू जेड रास्ता से लेके हर एक चीज़, हम पहले मैसूर पैलेस जाएंगे और भी बहुत सारी जगह जाएंगे, मैं आप लोगों को पहुँचने के बाद बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैवल। सो गाइज, मैं और मेरे भैया दोनों रॉयल एनफील्ड बाइक से सुबह 8 बजे निकले बेंगलुरु शहर से, एंड नाउ 10:20 हो रहा है। सो गाइज, 3 घंटा लगता है मैसूर पहुंचने में। सो अगले 20 मिनट में हम मैसूर पहुंच जाएंगे, रास्ते में है, ऑन द वे है, जस्ट मैसूर लगभग पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, सो हम मैसूर पहुंच चुके हैं, एंड गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में मैसूर को अवार्ड मिला था इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, बट आफ्टर 2016 ऑनवर्ड्स इंदौर सिटी अभी तक की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो मैसूर की रैंकिंग 5th में है, पर फिर भी बहुत क्लीन सिटी है गाइस, आप आओ और देखो इस सिटी को। तो भैया को मैसूर में कुछ काम था, उनको ट्रैवलिंग पसंद नहीं था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। देन फिर मैंने ओला का कैब करा, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ मैसूर पैलेस की ओर। सो सबसे पहला ट्रिप हमारा मैसूर पैलेस होगा, सो उसकी ओर हम जा रहे हैं। एंड गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने मैसूर पैलेस। सो ये उसकी एंट्री गेट है, यहाँ से आपको टिकट परचेज करनी है। 70 रुपीज़ की टिकट मिलती है, सो आप वहाँ से टिकट परचेज कर लेना। ये आउटर लुक है, देख सकते हो आप, बहुत हरियाली है, अंदर आपको और हरियाली दिखेगी। ऑलराइट, सो हम एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं, एंड ये रही आपकी मैसूर पैलेस। बहुत ही बड़ी पैलेस है और बहुत ही खूबसूरत पैलेस है ये मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस को, सॉरी, मैसूर शहर को हम सिटी ऑफ पैलेसेस से भी जानते हैं।
आई नो सिटी ऑफ पैलेसेस कोलकाता जाना जाता है, बट चूंकि मैसूरू में 7 पैलेसेज हैं इंक्लूडिंग दिस वन, सो इसको भी कभी कभी सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। और ये रही हमारी मंदिर, जैसे ही आप एंट्री गेट से एंट्री करोगे ना तो आपको राइट साइड में मंदिर दिखेगी, सो आप मंदिर में भी विजिट कर सकते हो। एंड अब हम चलते हैं अपनी पैलेस की ओर। हालांकि अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो आपको मैं फ्रंट व्यू दिखाने जा रहा हूँ, पैलेस की एंट्री दूसरी तरफ से है, ठीक है, इस तरफ है, सो मैं वापस आऊँगा बैक। फ़िलहाल मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ क्योंकि फ्रंट व्यू की बात ही कुछ अलग होती है, ठीक है। सो ये जो पैलेस है ना, ये क्या है? ये एक्चुअली ये जो पैलेस है न्यू पैलेस है, जो ओल्ड पैलेस थी ना उसको वो जल गया था मैरिज सेरेमनी के दौरान, वो पैलेस जल गया था, फिर से इस नए पैलेस को बनाया गया है। सो ये जो पैलेस है ना, ये इस पैलेस को बनाया गया है 1897 और 1912 के बीच में बनाया गया। पुराना पैलेस जल गया था और पुराना पैलेस को 14th सेंचुरी में बनाया गया था, बहुत पुराना पैलेस था, तो जैसा जल गया तो फिर उसको वापस से बनाया गया, ठीक है। और तो ये हमारी एंट्री है पैलेस की ओर, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, एंट्रेंस टू पैलेस। सो हम अब चलते हैं अपनी पैलेस के अंदर, ठीक है। सो चलो। सो गाइस हम पैलेस के अंदर तो जाएंगे ही, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पैलेस के अंदर जूता चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं है। सो अगर आप जूता पहन के गए हो, चप्पल पहन के गए हो, हील्स पहन के गए हो, कुछ भी पहन के गए हो, तो आपको उतारना पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे मैनेजमेंट है, आपको बस 2 रुपये लेके जाना है चिल्लर, क्योंकि उनके पास उतनी चेंज तो होती नहीं है, तो आपको 2 रुपये चिल्लर लेके जाना है, आपको वहाँ पे दे देना है, आपके जूते चप्पल सबमिट करना है, और फिर आप पैलेस के अंदर नंगे पाँव ही जाओगे, क्योंकि पैलेस के अंदर जूता चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप एंटायर पैलेस को घूम के आना नंगे पाँव, एंड देन फिर वापस आने के बाद आप उसी जगह पे आके आप अपने जूते को कलेक्ट करके आप बाहर की चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद मैं आपको पूरा क्लिप नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ क्लिप दिखाऊंगा। चलते हैं फिर। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रही, छोटा सा एक म्यूजियम है, सो आप गाने का एंजॉय करो और म्यूजियम देखो।
सो पैलेस बहुत बड़ी है और हम बिल्कुल पैलेस के एग्जिट तक आ ही चुके हैं। ये आपका बाहर का नज़ारा है। सो पैलेस हम पूरा ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत बड़ी पैलेस है। आप यहाँ आओ, विज़िट करो, बहुत अच्छी है। एंड फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी जगह, आपको हर बहुत सारे स्पॉट मिलेगी फ़ोटोशूट के लिए। तो कुछ फ़ोटोशूट मैंने किया है, सो आप म्यूज़िक के साथ अब फ़ोटोशूट को एंजॉय करो। बहुत सारे स्पॉट्स हैं यार, ये मैंने अपने फोन से लिया है, डीएसएलआर का यूज नहीं किया हूं। जस्ट फील द म्यूजिक एंड एंजॉय द मैसूर पैलेस। ये मैं Realme 8 Pro से लिया हूँ, काफ़ी अच्छी फ़ोन है उसकी बैक कैमरा। और सबसे ख़ास बात यह है कि उस दिन मौसम मेरा काफ़ी साथ दिया यार, मौसम एकदम मस्त। बेंगलुरु सिटी में भी वैसा ही मौसम था एंड आपके मैसूरू में भी वैसा ही मौसम था, मौसम बहुत ही मस्त था। और ये रोज़ गार्डन है, छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे रोज़ का प्लांट लगाया गया है, काफ़ी सुंदर है, नीट एंड क्लीन है, एंटायर पैलेस, एंटायर सिटी, एवरीथिंग। सो जब भी आप मैसूरू आओ तो मैं तो बोलूँगा कि आप पैलेस ज़रूर देखो, क्योंकि मैसूरू पैलेस बेसिकली फेमस है, मैसूरू सिटी मैसूर पैलेस के लिए फेमस है। सो मैसूर पैलेस तो बनता ही है यार घूमना। सो हमने देखा मैसूरू पैलेस के बारे में, फ़ोटोशूट भी लिया किया। मैं फ़ोटो का गाइस बहुत दीवाना हूँ, ठीक है, हर जगह मैं फ़ोटो लेता रहता हूँ। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ कोई है या नहीं है, मैं अकेले में ही खुश रहता हूँ। तो आप भी गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आपके साथ आए या ना आए, आप अकेले आके भी विज़िट कर सकते हो, ठीक है। एंजॉय करो लाइफ को यार, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, समझो। तो आप क्या करो, हर जगह घूमो यार, लाइफ इज़ अ जर्नी एंड यू बिकम अ ट्रैवलर। सो हमने मैसूरू पैलेस देखा, ठीक है, मैंने जैसे कि कहा था कि एक मंदिर भी है। सो ये रही हमारी मंदिर, हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। सो मंदिर के अंदर का सीन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप बस जाना और प्रणाम करके आ जाना, जो भी करते हो मंदिर के अंदर बेसिकली। सो हमारा मैसूर पैलेस का जो ट्रिप है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ से फिर हम कहीं और जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप बस बने रहो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, ठीक है। सो बाय बाय बोलते हैं मैसूरू पैलेस को एंड फिर चलते हैं आगे। सो गाइस, हमारी जो मैसूर पैलेस की ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ से मैं जाऊँगा कारंजी लेक। तो चलते हैं कारंजी लेक की ओर, वो बहुत बड़ी लेक है और उसके अंदर एक छोटी सी बर्ड एवियरी भी है। तो चलते हैं जल्दी से यार उसकी ओर। तो कारंजी लेक की ओर हम जा रहे हैं, मौसम देख सकते हो आप कितना सुहाना मौसम है। और ये लो, पहुंच गए हम अपने कारंजी लेक। सो ये है एंट्री गेट, आपको 40 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। सो आप टिकट परचेज करके आप अंदर जा सकते हो। सो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी लस ग्रीन है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही क्लीन जगह है ये। सो आप आओ यहाँ, ज़रूर आप विज़िट करो। एंड ये प्लेस हालांकि सबके लिए अच्छी है, बट कपल्स के लिए इज़ जस्ट लाइक अ हेवन, जन्नत है कपल्स के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है यार। यहाँ पे बोटिंग भी है, हालांकि अभी कोविड के टाइम पे बोटिंग अलाउ नहीं है, बट आप टाइमिंग एंड पूछ के आना कि बोटिंग अलाउ है। अगर आपको बोटिंग पसंद है तो आप पहले कॉन्टैक्ट करके आना, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड वो लेक है, वो हम बाद में जाएंगे, फ़िलहाल हम चलेंगे सीधा। और जो आवाज़ आ रही है वो मोर की है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। गाइस बहुत बड़ी ये लेक है, आप सीधा ऐसे चलते जाओगे आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। कहने का इन द सेंस है कि आपको किसी से पूछना नहीं है, गाइड किसी से लेना नहीं है, आप बस चलते जाओ, फील करते जाओ मौसम को और रास्ते को, ठीक है।
बस हमें राई प्यार के चलते जाना है, चलते जाना है, मंजिल का पता नहीं। आप ये समझ लेना लेके अंदर आने के बाद मंजिल क्या है, नो आइडिया, ठीक है। बस आपको चलते जाना है, चलते जाना है, एंड आपको कुछ ना कुछ थोड़ी दूर जाने पे कुछ ना कुछ स्पॉट मिलता रहेगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऑलराइट, जो हम चलते हैं आगे की ओर, हमें कुछ ना कुछ स्पॉट तो जरूर दिखेगा। आप भी मेरे तरह जब आओ तो चलते रहना, चलते रहना, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो ये लेक की साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको। फाइन, सो ये हम पहुँच गए हैं बर्ड्स व्यू, मतलब आप इसके टॉप पे जब जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चिड़िया बर्ड्स दिखाई देगी, ठीक है। सो चलते हैं ऊपर, देर किस बात की फिर। ऑलराइट, सो देख सकते हो गाइस कितना हरा भरा है यार, बहुत मतलब, और थोड़ी बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है बारिश। आज का मौसम यार क्या बताऊं यार, बहुत मस्त मौसम, आई लाइक दिस वेदर यार, रोमांटिक मौसम है। आप किसी कपल मतलब पार्टनर के साथ आओगे तो आपका दिन और बन जाएगा। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और राइट, सो हम ऊपर पहुंच चुके हैं गाइस, एंड जैसे कि आप देख सकते हो हल्का हल्का बूंदाबांदी बारिश हो रही है, एंड ग्रीनरी आप देखो यार, ग्रीनरी देखो क्या मस्त है यार, मुझे तो मस्त लग रही है मैं। और ऊपर आने के बाद ना आप ताजी ताजी हवा का फील करोगे तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। फोटोशूट भी आप कर सकते हो गाइस, मैं तो दीवाना हूँ सेल्फी का, हर जगह लेता रहता हूँ सेल्फी। सो ऐसा देखो, आप ऐसा सीन देख के किसको मन नहीं करेगा यार, 40 रुपीज में ये सब कुछ मिल रहा है। एंड यही है आपके लिए जिसकी मैं बात कर रहा था। हालांकि अभी कोविड की वजह से बोटिंग तो अलाउ नहीं है, पर फिर भी आप गाइस एंजॉय कर सकते हो, 40 रुपीज में काफी कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आप जस्ट फील करो यार, मोमेंट जो आपको लाइफ दे रहा है ना, आप उसको फील करो। पैसा मत देखो या फिर ये मत देखो बोर्डिंग अलाउ नहीं है, यहाँ पे फोटोशूट भी है ना, तो आप फोटोशूट भी कर सकते हो यार, बहुत सारे स्पॉट्स हैं फोटोशूट करने को। सो आप फोटोशूट करते रहो मेरी तरह, जहाँ जाओ वहाँ फोटो लेती रहो, ठीक है। सो आप आओ जरूर कारंजी लेक, काफ़ी अच्छी लेक है, बहुत ही क्लीन है, फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है लेक। जब बोटिंग हो तो आप बोटिंग भी कर सकते हो, देन फिर ये सब आप बोटिंग वोटिंग करके, हालांकि अभी बोटिंग अलाउड नहीं है, बट जो भी है, कहने का मतलब ये है कि आपको बस चलते रहना है। ये लेक बहुत बड़ा है, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, और कुछ ना कुछ आपको मिलते रहना है। सो अब देखो मुझे क्या मिला, बर्ड्स एवेरी, इसी की मैं बात कर रहा था। इसके अंदर जब आप जाओगे ना तो आप बोलोगे वाकई में बहुत अच्छी जगह है, और आपकी पैसा वसूल हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ अगर दिखाऊंगा, ठीक है, बाद में दिखाऊंगा, आपको पैसा पूरा वसूल हो जाएगा। 40 रुपये कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कौन सा बर्ड है मुझे भी नहीं पता, बट मैं इंजॉय कर रहा हूँ गाइस, बिलीव मी। सो आप या तो अकेले आओ, अपने पार्टनर के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, आपको बस इंजॉय करना है लाइफ में, आपको इंजॉय करना है, समझ रहे हैं ना। ऑलराइट, सो आवाज़ बहुत आ रही है मोर की आ रही है, अब मोर भी आप देख सकते हो ये हमारे मेरे सामने है, बहुत सारे इसमें मोर्स है। मैंने काउंट तो नहीं किया बट मुझे अंदाज ऐसा लग रहा है कि 50+ मोर है, पीकॉक है। ये देखो आवाज़ भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार मुझे, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है यार, मैंने माउंटेन ड्यू पी के आया है। सो मुझे तो हल्का फुल्का डर लग रहा है, बट आई नो डर के आगे जीत है। ऑलराइट, सो हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे। यार एक बर्ड कौन सा आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मुझे नहीं पता। एंड गाइस चूंकि ये मेरा पहला व्लॉगिंग है, सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड ये मोमेंट, इसमें आपका पैसा वसूल होने वाला है, देखो क्या होने वाला है, वेट फॉर द मोमेंट। वाओ, क्या बात है यार, अमेजिंग, पैसा वसूल। वाओ।
गाइस कारंजी लेक की भी हमारी टूर खत्म हो चुकी है। सो यहाँ पे आप फोटो शूट करो और फिर हम बाहर की ओर चलते हैं। हमने आज बहुत घूमा, पूरा वन डे का ट्रिप था। सुबह मैं निकला था और शाम हो चुकी है, अब मुझे वापस बेंगलोर की ओर जाना है। सो बाय बाय बोलता हूँ कारण जी को। फिर मैंने कुछ खाना भी खाया। अब खाने में मैंने तंदूरी लिया एंड पेपर मशरूम लिया, क्योंकि मुझे पेपर बहुत पसंद है। सो मैंने पेपर मशरूम ऑर्डर किया और खाना तो ज़रूरी है ना। सो गाइज मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत कराया और चूंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉगिंग था, सो जैसा भी हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा। गाइज बहुत मेहनत करा है इस वीडियो में, एडिटिंग से लेके शूटिंग से लेके हर एक चीज़ मैंने खुद ही किया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें सबको, और हाँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मैं और अदर ब्लॉगिंग नए सिटी का आपको दिखाता रहूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, टिल देन बाय बाय।